सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448। बमौरी विधानसभा में 3 साल में हुए 22,000 करोड़ के विकास कार्य सिसोदिया। पंचायत मंत्री ने पत्रकार वार्ता में गिनाई केंद्र सरकार और बमौरी के विकास की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सेवा सुशासन और गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, किसानों के हित में सबका साथ और सबका विकास को लेकर हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीबों के जीवन में नई खुशहाली लेकर आई। देश में लगभग 48 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। देश में लगभग 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई। 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और लगभग 12.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्का मकान के तहत 3 करोड़ से अधिक आवास निर्मित हुए। देश में लगभग 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। आज भारत के विकास में गति भी है, शक्ति भी है, सुरक्षा भी है और संयम भी है। ये बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कही। कैबिनेट मंत्री सिसोदिया शनिवार को स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में सम्मिलित होकर केंद्र के मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों एवं बमौरी विधानसभा में हुए 22,000 करोड़ के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायत मंत्री सिसोदिया ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गरीब कल्याण की जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करके महापाप किया और इसी वजह से हमने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को सड़क पर ला दिया। आज बमौरी विधानसभा क्षेत्र में 3 वर्षों में लगभग 22,000 करोड़ के विकास कार्य किए गए हैं। इस बमौरी की जनता को अभी हाल ही में महाविद्यालय की सौगात मिली है। तहसील स्तर पर कॉलेज मिलना पूरे प्रदेश में पहला क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं कागजों की धूल फांकती रहती थी, आज एक ही कार्यकाल में योजनाएं बनती भी हैं और जमीन पर उतरती भी हैं। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही कार्यकाल में होता है। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना काल में गुना जिले को पहला ऑक्सीजन प्लांट मिला। आपको बता दें कि इसके साथ ही 15 कार्ड स्वीकृति हुए, इसमें 56 करोड़ लागत से व्यय का प्रावधान है। 3 PSC 2 SSC स्वीकृत हुए। 250 सड़कों का जाल बिछा दिया। तो वहीं लोक निर्माण विभाग से पिछले 3 वर्षों में 23 सड़कें 172 किलोमीटर की स्वीकृति की गई हैं, जिसमें से 108 किलोमीटर की सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं और 64 सड़कें प्रगतिरत हैं। उक्त 23 सड़कों पर 368.48 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है। सिसोदिया ने कहा कि बमौरी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत के क्षेत्र में अनेकों उपलब्धियां मिली हैं, जिसमें 133 KV के 9 सब स्टेशन स्वीकृत कराए गए हैं, जिनकी लागत लगभग 42.25 करोड़ रुपए है, तथा 132 KV के 2 तकनेरा कपासी, जिसकी लागत 12 करोड़ तथा बल्लापुर में 400 KV का 1 सब स्टेशन, जिसकी लागत 600 करोड़ रुपए है। सिसोदिया ने कहा कि बमौरी विधानसभा के अंतर्गत ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा 5 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिए गए, आवास निर्मित हुए हैं। देश में लगभग 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। बमौरी में लाडली बहना योजना के अंतर्गत 52,880 बहनों को 1,000 रुपये प्रतिमाह राशि प्रदाय की जा रही है। इस प्रकार बमौरी में 19,222 लाडली लक्ष्मी है। नारी शक्ति को संबल देने वाला भारत बना है, युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला भारत बना है, किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने वाला भारत बना है, सबके लिए सहज उत्तम सेवाओं वाला भारत बना है। आज भारत के विकास में गति भी है, शक्ति भी है, सुरक्षा भी है और संयम भी है। ये नया भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत है, मिशन इंडिया के तहत आगे बढ़ता हुआ भारत है। 50,000 महिलाएं आज लाडली योजना का लाभ उनको मिलने लगा है, उनके खाते में 1,000 रुपए आने लगे हैं और आने वाले दिनों में जो 19 साल का जो क्राइटेरिया है वो भी सीएम ने रिलैक्स किया है, उसके आदेश आने के बाद और उसमें वृद्धि हो जाएगी और ये एक बहुत जबरदस्त योजना है। किसान सम्मान निधि, ये बमौरी क्षेत्र में हजारों किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। पहले 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी देते थे, 4,000 मुख्यमंत्री जी देते थे,
अब उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 की वृद्धि की है और अब दोनों तरफ से केंद्र से भी और प्रदेश से भी 6000 रुपये साल मिलेंगे, मतलब 12000 रुपये साल किसान को सम्मान निधि मिलेगी। हम कृषि के क्षेत्र में आए, आज ऐसे तमाम स्वयं सहायता समूह हैं जिनको मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कृषि विभाग की तरफ से ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया जिससे कि वो आर्थिक रूप से निर्भरता की ओर जा सके। तो ऐसे तमाम सारे विकास के आयाम हैं जो बमौरी विधानसभा में हुए हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे सांसद जी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बमौरी के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। CISF ने नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ पर दिया उत्कृष्ट शिक्षा का संदेश, जरूरतमंद छात्रों को बांटी शैक्षणिक सामग्री। गुना जिले के गारागुगढ़ तहसील के विजयपुर स्थित गैल इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की इकाई द्वारा 1 जुलाई को नए शिक्षा सत्र के शुभारंभ अवसर पर हर घर हर बच्चे को शिक्षित करने का संदेश दिया। रागुगढ़ तहसील के बहादुरगढ़ शासकीय प्राथमिक विद्यालय में जरूरतमंद छात्रों को शैक्षणिक सामग्री प्रदान की। इस दौरान CISF गैल विजयपुर के उप कमांडेंट अशोक सिंह ने कहा कि 1 जुलाई 2023 से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। हमारी कोशिश है कि ऐसे जरूरतमंद बच्चे भी शिक्षा से वंचित ना रहें जो तंगी के अभाव में शैक्षणिक सामग्री नहीं खरीद पाते। शिक्षा सबको मिले, हर परिवार शिक्षित हो, यही हमारी कोशिश है। इसी क्रम में रागुगढ़ तहसील के बहादुरगढ़ गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जरूरतमंद परिवारों के स्कूली छात्र छात्राओं को बैग, स्टेशनरी सहित शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई। इस दौरान बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने एवं अभिभावकों को भी अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने का संकल्प दिलाया। इस दौरान CISF यूनिट गेल विजयपुर के सभी बल सदस्य भी मौजूद रहे। सारे बल सदस्य और मेरे प्यारे बच्चों, कौन-कौन 1 जुलाई को जिस दिन सारे स्कूलों सारे विद्यालय खुलते हैं, आज बहादुरगढ़ में शासकीय विद्यालय के सारे बच्चे जो कि ज़्यादातर गरीब तबके के हैं, इन लोगों को संरक्षिका के अंतर्गत आज हम लोगों ने स्कूल बैग्स एवं स्कूल सामग्री बांटी गई और संरक्षिका प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे मनाया। सर, ये CISF द्वारा कब से समाज सेवा में ऐसे काम किए जा रहे हैं और क्या क्या काम किए जाते हैं? जैसे कि सर्वविदित है कि CISF एक केंद्र सशस्त्र पुलिस बल है और इसके तहत ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि समाज के निचले एवं BPL जो कि निचले एवं वंचित वर्ग है उनको भी हम लोग समय समय पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसी क्रम को आगे रखते हुए आज हम लोगों ने स्कूल के जरूरतमंद बच्चों को स्कूली सामग्री एवं पठन पाठ्य सामान वितरण किया है। मयाना थाना के अंतर्गत मयाना से 2 युवक कलुआ खेड़ी जा रहे थे। मयाना के चौका चूल्हा रेस्टोरेंट के पास बुलेरो में ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत गंभीर घायल। मची पुकार, गूंज से सनी शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम भर्ती। राम कुमार यादव पुत्र शैतान सिंह यादव निवासी रेंजा घाट थाना बदरवास मयाना से अपने मौसी के लड़के भाई देवेंद्र यादव पुत्र चुन्नीलाल यादव उम्र 30 साल को छोड़ने कलुआ खेड़ी थाना नई सराय जा रहे थे। बीती रात 8 बजे मयाना से आगे चौका चूल्हा रेस्टोरेंट के पास ट्रक एवं बुलेरो की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें राम कुमार यादव पुत्र शैतान सिंह यादव उम्र 30 साल निवासी रेंजा घाट थाना बदरवास की मौके पर ही मौत हो गई। आज जिला अस्पताल में उसके शव का हुआ पोस्टमार्टम। मयाना पुलिस मामले की जांच में कर रही है। तो आपके दामाद का जो एक्सीडेंट हो गया है, कहाँ पे हो गया एक्सीडेंट? एक्सीडेंट जो मयाना से चल के चौका चूल्हा के पास। कब? रात आठ के आसपास। अच्छा, क्या नाम इनका था? राम कुमार यादव। पिताजी का नाम? शैतान सिंह यादव। कहाँ रहते थे? रेंजा घाट। थाना बदरवास। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? म्याना से अपने गांव जा रहे थे, रेंजा घाट। हाँ, कहाँ टक्कर मार दी कार में? ट्रक में, बुलेरो। अच्छा, इसमें कितने सवार थे? इसमें 2 लोग। एक और कौन था? एक कलुआ खेड़ी। अच्छा, उसको छोटे आई क्या? छोटे आई, वो भर्ती है। भर्ती का क्या नाम? बलराम यादव। आप कहाँ रहते हो? गोपालपुर। आपके कौन थे जी? दामान।
मध्य प्रदेश मास्टर गेम एसोसिएशन की वार्षिक बैठक दिनांक 25 जून 2023 को उज्जैन में नफीस अहमद के सानिध्य में तथा अमानत खान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वार्षिक बैठक सफलतापूर्वक आयोजित हुई। इसमें आगामी वर्षों के लिए कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश मास्टर गेम्स के अध्यक्ष मुमताज खान, उपाध्यक्ष बीएस राठौर, सचिव अमानत खान एवं कोषाध्यक्ष श्रवण यादव को मनोनीत किया गया। इसी के साथ नईम खान को मध्य प्रदेश मास्टर गेम बैडमिंटन का चेयरमैन नामित किया गया। कुंज बिहारी तिवारी को मध्य प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य नामित किया गया। महिला विंग में एसोसिएशन ने जूलिया डेविड को चेयरमैन नामित किया गया। गुना जिले के नईम खान को मध्य प्रदेश मास्टर्स गेम्स में चेयरमैन तथा केवी तिवारी का प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने पर गुना को गौरवान्वित किया गया। इस उपलब्धि पर मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन जिला गुना के पदाधिकारियों व इष्ट मित्रों तथा परिवारजनों ने बधाई प्रेषित की। चंद्र प्रभु जिनाले पर सिद्ध भगवानों की आराधना कर रहे भक्त मुनि संघ के सानिध्य में चल रहा सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ शहर की त्रिमूर्ति कॉलोनी स्थित चंद्र प्रभु जिनाले पर चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ में श्रद्धालु सिद्ध भगवानों की आराधना कर रहे हैं। विधान के छठवें दिन शनिवार को प्रातः मुनिश्री आगम सागर जी एवं पुनीत सागर जी महाराज के सानिध्य में भगवान की विश्व शांति की भावना से शांतिधारा एवं अभिषेक हुआ, जिसके बाद विभिन्न इंद्र बने पात्रों ने विधान चाचार्य ब्रह्माचारी अंकित भैया जी के निर्देशन में सिद्ध चक्र विधान में अग्र चढ़ाए। मंदिर कमेटी के संयोजक एमके जैन एवं सह संयोजक राकेश जैन सारथी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः मंगलाष्टक शुद्धि मंत्र अभिषेक शांतिधारा पूजन एवं विधान से हुआ। वहीं रात्रि में महाआरती तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके पूर्व गत शाम महाआरती मुकेश कुमार सौरभ जैन हाड़ा डूंगासरा परिवार के निज निवास से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ हुई। महाआरती का जुलूस शिवाजी नगर SASL मेमोरियल स्कूल जोज सनाडे धर्मशाला दुर्गा कॉलोनी प्रताप छात्रावास रोड होते हुए चंद्र प्रभु जिनाले पहुँचा। इस अवसर पर मंदिर जी में संगीतकार अंकित जैन एंड पार्टी द्वारा आकर्षक भजनों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भक्ति कराई। जिला प्रशासन व कॉलेज प्रशासन की 1 जुलाई से गर्ल्स हॉस्टल शुरू करने की वादा खिलाफी के खिलाफ जागृति मंच ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित व्यवस्थाओं के साथ अविलंब हॉस्टल शुरू करने की मांग की। बंद पड़े गर्ल्स हॉस्टल को उचित व्यवस्थाओं व न्यूनतम शुल्क के साथ अविलंब शुरू किए जाने की मांग पर आज छात्रों के संयुक्त मंच जागृति ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जागृति मंच के संयोजिका शानु भिलाला ने बताया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों के लिए बनाए गए गर्ल्स व बॉयज हॉस्टल लंबे समय से बंद पड़े हैं। बॉयज हॉस्टल पूरी तरह से जर्जर हालत में है। पिछले 8 वर्षों से उसका मरम्मत का काम कागजों में चल रहा है, जो धरातल पर अभी तक लागू नहीं हुआ है। साथ ही गर्ल्स हॉस्टल की तो सिर्फ बिल्डिंग ही बनकर रह गई है। जब से हॉस्टल बना है तब से एक भी दाखिला हॉस्टल में नहीं हुआ। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित होंगे कि दूरदराज से जो छात्र छात्राएं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं वह आर्थिक रूप से सक्षम छात्र छात्राएं नहीं, जो कि गुना शहर में कमरा किराए से लेकर रह सकें। ऐसे में रोज़ रोज़ दूरदराज से किराया लगाकर आना भी संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महाविद्यालय द्वारा गत वर्ष से एक नियम जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में आखिर छात्र क्या करें? कई छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में अगर बंद पड़े गर्ल्स व बॉयज़ हॉस्टल को खोल दिया जाए तो छात्र आसानी से यहां रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस संदर्भ में पहले भी कई बार छात्रों ने ज्ञापन दिया पर उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। छात्र छात्राएं जब बार बार हॉस्टल खोलने की मांग कर रहे थे तब उन्हें जिला प्रशासन ने कॉलेज प्रशासन से बात कर ठोस आश्वासन दिया कि 1 जुलाई से गर्ल्स हॉस्टल खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी हमारे यहाँ की हॉस्टल की जो स्थिति है वह रहने योग्य नहीं है। जबकि आज 1 जुलाई से ही नए सत्र की शुरुआत हो रही है और ये ज्ञापन पहली बार नहीं दिया गया है। इससे पहले भी पिछले सत्र में कई बार छात्र छात्राएं कलेक्टर के दरवाजे पर पहुँच चुके हैं, लेकिन हर बार छात्रों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। अगर अभी भी हॉस्टल चालू नहीं होते हैं तो छात्र छात्राएं तीव्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और ज़रूरत पड़ने पर पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर भी आने के लिए तैयार हैं। ज्ञापन के दौरान कई सारे छात्र मौजूद रहे। ज्ञापन दिया गया आज छात्राओं का संयुक्त मंच जागृति द्वारा आज पिछले लंबे समय से जो हॉस्टल बंद पड़ा है गर्ल्स हॉस्टल उसको खुलवाने को लेकर आज ज्ञापन दिया है जिलाधीश के नाम पर।
पिछले 3 महीने पहले गर्ल्स ने मिलकर उस मांग को लेकर ज्ञापन दिया था और यहां से आश्वासन भी दिया गया था कि 1 जुलाई से हॉस्टल को खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम देखें तो हॉस्टल जर्जर बिल्डिंग में है और अभी तक उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो आज उसी मांग को लेकर यहाँ पर छात्राएं हॉस्टल खुलवाने को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने आई हैं। दूसरा, अभी जिस तरह से पीजी कॉलेज में बहुत दूर दराज से छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक छात्राएं आती हैं, ऐसी कई छात्राएं हैं जिनको मतलब डेली क्लासेस लग रही हैं और मतलब रहने की व्यवस्था ना होने के चलते कई छात्राएं पढ़ाई छोड़ रही हैं। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो गर्ल्स हॉस्टल है उसको मतलब जल्द से जल्द खोल दिया जाए, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी को लेकर आज छात्राओं का संयुक्त मंच जागृति द्वारा ज्ञापन दिया गया। मेरा नाम शानू गुलाला है। सीवर लाइन के लिए खोदी सड़कों में जगह जगह धस रहे वाहन, मुख्य डाकघर गेट के सामने डंपर हॉट रोड पर ऑटो और पिकअप वाहन फंसा। बिना प्लानिंग और मॉनिटरिंग के शहर में डाली जा रही सीवर लाइन लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। शहर के मुख्य डाकघर गेट के सामने एक डंपर हॉट रोड पर ऑटो और पिकअप वाहन खोदी गई मुख्य सड़क के गड्ढे में धस गया। दरअसल यहां पर सीवर लाइन कंपनी द्वारा अप्रैल में खुदाई कर ऊपर से गिट्टी डालकर मरम्मत की खानपूर्ति कर ली गई थी, जिसके बाद यहां से आए दिन लोग गिट्टी में फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। डंपर यहां बने गड्ढे में धंस गया, जिसके बाद में घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन से उठाया गया। उल्लेखनीय है कि पूरे शहर में बिना किसी प्लानिंग के जगह जगह सीवर पाइप डालने की सड़कें खोदी गई हैं। मुरम से भरा पानी डंपर सीवर लाइन के गड्ढे में धस गया और पलटते पलटते बचा, जिसमें ट्रक चालक बाल बाल बच गया। गनीमत यह रही कि घटना के समय भीड़ भाड़ कम थी, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। शहर में पिछले कई दिनों से सीवर लाइन का काम चल रहा है, जिसमें ठेकेदारों के द्वारा बड़ी लापरवाही की जा रही है। जगह जगह सीवर लाइन के लिए गड्ढे खोद कर डाल दिए जाते हैं, उन गड्ढों को ठेकेदारों द्वारा सही तरीके से नहीं भरवाया जाता है, जिसके चलते रास्ते में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। रक्तदान एवं पौधारोपण कर रोटरी के नवीन सत्र का हुआ शुभारंभ। नगर की सेवा भावी संस्था रोटरी क्लब गुना ने नवीन सत्र 2023-24 के प्रथम दिवस रोटरी भवन गुना में नवीन अध्यक्ष सीपी रघुवंशी एवं सचिव प्रवीण सोमानी के नेतृत्व में रोटरी भवन गुना में रोटरी सदस्यों के साथ विशाल रक्तदान शिविर एवं पौधारोपण और डॉक्टर दिवस पर उनका सम्मान BCA दिवस पर सम्मान कार्यक्रम कर सत्र का शुभारंभ किया गया। मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि सत्र का आरंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात रोटरी के सदस्यों एवं इनरवेल क्लब के सदस्यों ने रक्तदान किया और पौधारोपण किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह शिकरवार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रोटरियन गोपाल सक्सेना द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CP रघुवंशी ने करते हुए डॉक्टर JVCA दिवस पर उनका सम्मान किया, जिसमें डॉक्टर की रामवीर सिंह जी रघुवंशी, डॉक्टर LK शर्मा, डॉक्टर BS सिसोदिया, डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर नीरज जैन, डॉक्टर हरीश भार्गव। प्रोग्राम के मध्य में भाजपा के जिला अध्यक्ष शिकरवार का सभी रोटरियन साथियों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात शिकरवार के साथ सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोटरी सदस्यों के साथ इनरवील क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। मयाना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री ने किया रोडों का भूमि पूजन। आज बमोरी विधानसभा क्षेत्र के मयाना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मयाना ईदगाह से हाईवे तक की सड़क और मयाना से जमरा बाए मोटे छोले बाबा तक की 2 सड़कों का भूमि पूजन किया। इससे पहले मंत्री सिसोदिया ग्राम टकनेरा पहुंचे। टकनेरा में खैरुआ मोहल्ला से एबी रोड तक की सड़क का भूमि पूजन किया। मंत्री सिसोदिया ने कहा कि बमोरी विधानसभा क्षेत्र में पहले कोई विकास नहीं था, लेकिन अब BJP सरकार में रोडों का जाल बिछा दिया गया है। मंत्री सिसोदिया ने कहा कि प्रभु राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। कुश की संतान कुशवाहा समाज है और लव की संतान हम, इसलिए कुशवाहा समाज से हमारा भाई का रिश्ता है। पंचायत मंत्री ने लाडली बहना योजना को मुख्यमंत्री जी की क्रांतिकारी योजना बताई, जिससे सभी बहनाओं के खाते में सीधा रुपए आएंगे। इसके बाद मंत्री सिसोदिया ने जनता की समस्या सुनी। इस अवसर पर जय नारायण सोनी, दामोदर प्रसाद शर्मा, पहलवान सिंह कुशवाहा, जगदीश रघुवंशी, जमरा प्रेम सिंह राजपूत, लोकेंद्र सिंह राजपूत आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोटे छोले वाले बाबा की रोड डंबर की बनना चाहिए, तो आज मैं स्वीकृत करके जा रहा हूँ, भूमि पूजन करके जा रहा हूँ।
जल्दी से जल्दी आपकी रोड अगले बारिश में जब मैं आऊंगा तो फर्स्ट क्लास डंबर की रोड आपको बनी हुई मिलेगी। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में गुना जिले के प्रत्येक गांव से दो व्यक्तियों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण का आज से कुछ गांव के व्यक्तियों का प्रारंभ हुआ और एक कार्यशाला का आज आयोजन किया गया जिसमें आपदा मित्र जनों को बाढ़ संबंधित किट प्रदान की गई, जिसमें अतिथि के रूप में गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल एवं गुना SP राकेश कुमार सागर एवं जिला पंचायत CO प्रथम कौशिक और होमगार्ड कमांडेंट राजकुमार पथरोल एवं PG कॉलेज प्राचार्य BP तिवारी सहित अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। जो युवा प्रशिक्षण जो युवा गार्ड थे उनको SDRF में ट्रांसफर किया गया है और वो SDRF में प्रशिक्षण प्राप्त करके अब जिलों में सेवाएं दे रहे हैं। तो और आपने भी आपदा मित्र योजना में नए युवाओं को जोड़ा है, तो क्या देखिए जैसे कि आप सभी को पता होगा जब कभी भी कोई आपदा की सिचुएशन आता है उस टाइम पर हमें टीम्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि हमारी ट्रेंड टीम SDRF की टीम्स हमारे होमगार्ड की टीम SDRF में जाके ट्रेनिंग लेके वहाँ पर टीम्स डिप्लॉय हो चुके हैं। एट द सेम टाइम हम हर ग्रामीण स्तर पर हम लोगों को लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनको बेसिक्स आपदा के टाइम पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को क्या मैसेज देना है, इसके बारे में ट्रेन करने की आवश्यकता थी। तो इसलिए शासन ने निर्देश दिया था तो NDMA और SDMA के थ्रू ये कार्रवाई की गई है और आपदा मित्र के नाम से हर गाँव से दो दो लोगों को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। उनको यहाँ पर 12 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनके किट भी दिया जाएगा, उसके साथ उनको सर्टिफिकेट और एक ID कार्ड भी दे रहे हैं। ये वॉलंटरी बेसिस पर रहेगा, ये हमारे शासन प्रशासन के लिए हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे। जब भी कोई आपदा होती है तो हम लोगों को इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन देना, क्या हम स्टेप्स कर रहे हैं वो गांव में मैसेज देना, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रेनिंग उनको बताएंगे और ये हमारे लिए एक टीम के रूप में आपदा मित्र हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। और हम लोग जरूर हर साल हम जब भी यहाँ पर बाढ़ की सिचुएशन में या कोई भी आपदा होती है तो टीम का अच्छा एक सहयोग रहता है, तो बढ़िया मिलकर इस बार टीम को भी चयन करके हम लोग काम करेंगे। पिछले साल भी पार्वती में भारी बाढ़ आई थी, बहुत अच्छा काम आपदा प्रबंधन की टीम किया, SDRF NDRF दोनों ने बहुत अच्छा काम किया था, तो इस बार प्री तैयारी की जा रही है सब इस तरह। हमने और SP साहब ने पूरे जिले में हमारी एंटायर टीम पुलिस प्रशासन तहसीलदार नगर पालिका जनपद CO साहब के साथ मिलकर वो सभी की एक बार मीटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। आपदा के टाइम पर क्या क्या इश्यूज लास्ट ईयर उसके पहले साल में जो इश्यूज आए थे उसकी ब्रीफिंग डीब्रीफिंग किया है और क्या क्या तैयारी हमको करना है ताकि पहले से हम लोग थोड़ा तैयार रहें एटलीस्ट उसको मिटिगेट करने के लिए। तो हम लोग अभी वर्तमान में उस पर वर्कआउट कर ही रहे हैं। अभी जैसे आपको बताओगा बारिश अभी बात शुरू हो चुकी है एंड अभी जहाँ जहाँ पर हम लोगों को रपटे में इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पर भी तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं और जरूर अच्छी तरह से इस आपदा के टाइम पीरियड को हम लोग प्रॉपरली मिटिगेट करेंगे। कहूँ बस पिछले 2 सालों में गुना में 1700 mm बारिश हुई है जो कि ऐतिहासिक है, वैसे 1053 mm कुछ आपदा संबंधी इशू आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए आपको जैसे बता होगा लास्ट 2-3 सालों से ही जो एवरेज रेनफॉल है वो ओवर ए पीरियड इंक्रीज हुआ है और MP में स्पेसिफिकली गुना में हम लोग लगातार लास्ट 2 ईयर से बाढ़ फेस कर रहे हैं। बट एट सेम टाइम हमारी जो एंटायर टीम है मतलब हर स्टाफ हमारी जो स्टाफ है पूरी स्टाफ उसमें मेहनत करती है, गांव के लोगों के साथ मिलकर हम लोग प्रॉपरली हम लोग रिसीव कर पाते हैं एंड लगातार हम लोग इस बारे में उसके अनुसार ही हम लोग तैयार हैं एंड प्रॉपरली इसके प्रॉपरली मिटिगेट करेंगे। पिछले साल सुरक्षा की आई थी सर, उसके बाद बाढ़ आ गई थी पूरे गांव के बाद हो गए थे, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो इस बार क्या तैयारी? इस बार हम लोग पूरा मीटिंग कर चुके हैं और ये हमारे आपका मित्र का भी कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें हम लोग अभी सभी विजिट कर रहे हैं जहाँ जो हमारे पूर्व जो रिकॉर्ड के आधार पर जो गाँव रूम में आए वहाँ क्या क्या रिसोर्सेस हैं वो हम चिन्हित कर रहे हैं, साथ में हमारा ये आपदा मित्र भी रहेंगे, उस वक्त पुलिस को भी हम सेंड कर रहे हैं कि उनकी जो बीट है उसमें बोल रहे हैं, साथ में वहाँ गांव में और कौन लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं उनकी भी सूची तैयार की जा रही है, क्योंकि होता क्या है कि इन इमरजेंसी में हमारा लोकल जो हमारा लोग रहते हैं वही हमारा सहयोग कर पाते हैं क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं मतलब मुख्यालय से वहाँ पहुँचना संभव नहीं होता है। इस बार कलेक्टर ने क्या किया है कि जोनल सिस्टम कोई बनाया है कि हमारी जोन कुछ अलग अलग बनाए हुए हैं, जैसे R1 जोन है, फतेहगढ़ है, तो उसका ऑलरेडी पहले से हमारी टीम रहेगी और कुछ सूचना जैसी मिलती है वो मूव कर जाएंगी ताकि उनका आने जाने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा और साथ में ही अगर नालों में पानी भी आ जाता है तो ऑलरेडी वो पहुँच चुके हैं। तो ये हम लोग तैयारी कर लिए थी और साथ में मेरा मानना है कि चूंकि इस बार हमारी तैयारी फुलफुल है और कहीं हमको ऐसा ही लगता है कि पिछले जैसे हालातों में भी हम लोग सफल प्राप्त करेंगे और साथ में अभी जो हमारा आपदा मित्र का जो भी कंसेप्ट है ये भी हमारा सहयोग का एक पार्ट रहेगा और इससे हम लोग बेहतर स्थिति
अक्सर पुलिस के सूत्र को गांव गांव है, अगर पुलिस इतनी प्रोएक्टिव रहेगी तो बहुत सारे आपदा को रोका जा सकता है। ये सब क्योंकि क्या है कि क्या होता है कि आपदा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा रिस्पांस टाइम, अगर हम रिस्पांस टाइम हमारा पहले ही हम लोग टाइम से पहुंच गए तो हमारी काफ़ी समस्याओं का हम समाधान कर लेते हैं। होता क्या है कभी कभी रिस्पांस हमारा अगर पुअर हो गया और हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए तो जनहानि की समस्या आती है, और इसलिए इस बार हम लोगों ने रिस्पांस टाइम को बढ़ाया है और हम लोग उसी स्थानों पर अपना बल को तैनात कर रहे हैं। हमारी एसटीआर टीम भी तैयार रही है ताकि कम से कम हमको मुख्यालय से न भेजना पड़े। इस बार हम लोग जोनल लेवल पे हम लोग तैयारी की है। आम आदमी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपदा प्रबंधन में, क्योंकि बहुत सारे लोग अतिरिक्त रिस्क उठाते हैं, वो भी एक मुद्दा है। हमने सब देख क्योंकि अभी जो हमारा आपदा मित्र का जो कार्यक्रम है ये भी इसी का परिणाम है, क्योंकि हमारे उन्हीं के बीच के लोग हैं जो आम लोग हैं, और उससे क्या होगा कि ये लोग तो ट्रेंड होंगे ही, साथ में हमारा ये सोच रहेगा कि और हमारा आपदा मित्र के द्वारा भी उनको जागरूक किया जाएगा, और साथ में हम लोग बीच बीच में गांव में जो जो गांव हमारे प्रभावित हैं वो सब चिन्हित कर लिए गए हैं और उनको भी हम ये प्रशिक्षण में शामिल करेंगे। साथ में हम लोग बजट भी करेंगे, अगर मान लो मेडिसिन की आवश्यकता है और क्या क्या आवश्यकता हो सकती है जो बाढ़ के टाइम उनकी उपयोगी रहेगी वो हम लोग संसाधन पहले जुटाएंगे। मित्र अभियान के अंतर्गत आज शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में पेंशनर पार्क में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री फ्रैंक नोबल ए जिला पंचायत सीईओ श्री प्रथम कौशिक की उपस्थिति में पेंशनर परिवार द्वारा पौधारोपण किया। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि वृक्ष हमारे मित्र हैं, हमें जीवन रूपी सांस देते हैं। वृक्षों से पर्यावरण शुद्ध एवं स्वच्छ रहता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिवर्ष एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए जिससे हमारी धरती हरी भरी बनी रहे। उन्होंने पेंशनर परिवार को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही आपका पेंशनर पार्क विकसित होकर सुंदर होगा। इसके अतिरिक्त आपको व्यक्तिगत रूप से भी कोई सहयोग की आवश्यकता हो वह भी सहर्ष रूप से करने तैयार है, क्योंकि पेंशनर्स ही हमारे एवं शहर के मार्गदर्शक हैं। पौधरोपण के अवसर पर पेंशनर संघ के अध्यक्ष श्री घनश्याम श्रीवास्तव, श्री शैलेंद्र शर्मा, श्री मुरारी शर्मा, श्री राजाराम शिंदे, श्री के एन बंसल, श्री कमलेश श्रीवास्तव, श्री सुरेश सक्सेना, श्री जयराम सिंह वैश्य, श्री पी एस परिहार, श्री शंभुनाथ तिवारी, श्री शंकर राम मौर्य, श्री श्री हरि ओम श्रीवास्तव आदि के साथ प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री बी वी गुप्ता आदि उपस्थित हुए। इस पार्क की शुरुआत फरवरी 2022 को शुरू हो गई थी और इसमें कलेक्टर साहब और नगर पालिका परिषद सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैं केवल यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। एक बाल हनुमान मंदिर यहाँ का है 1947 की पहली का है, इसका अगर नगर पालिका अध्यक्ष चाहेंगे तो निश्चित रूप से मतलब सुंदरीकरण इसका है। और दूसरा अनावश्यक रूप से बैठक बना रखी है जिसमें नकोची आते रहते हैं और उसकी हमने कार्रवाई भी करी थी, तो उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि इसका अच्छी तरह से बाल हनुमान मंदिर का विकास विकास के लिए जो बाल हनुमान मंदिर है ये निश्चित रूप से अच्छा है, क्योंकि नुकसान के लिए बाल हनुमान डाक्टर भी यहाँ पर दूसरा पार के लिए आप कर ही रहे हैं और हमारे सभी सम्मानित सदस्य अपने सभी प्रकार कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय के रेड क्रॉस भवन गुना में कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों का किया गया सम्मान। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का हुआ शुभारंभ। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड का किया गया वितरण कार्यक्रम। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को कार्ड का किया गया वितरण। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 एवं 1 करोड़ आयुष्मान हितग्राहियों को कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिला शहडोल से किया गया, जिसका ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सीधा प्रसारण रेडक्रॉस भवन जिला चिकित्सालय परिसर गुना में किया गया है। कार्यक्रम में
मुख्य अतिथि विधायक गुना गोपीलाल जाटव विधायक रहे। कार्यक्रम में सविता अरविंद गुप्ता अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गुना, सांसद प्रतिनिधित्व रमेश मालवीय एवं सचिन शर्मा, नीरज निगम, भाजपा के मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कलेक्टर फ्रैंक नोबले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर, सिविल सर्जन डॉक्टर एस ओ भोला, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर आर माथुर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा, जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट सत्येंद्र रघुवंशी, जिला सीपीएससी सलाहकार सत्येंद्र शर्मा, जिला चिकित्सालय का स्टाफ एवं आयुष्मान हितग्राहियों के साथ ही अन्य समाज सेवी भी उपस्थित रहे। सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839 9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448।